हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर ये 3 है, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन कवर कर रहे हैं हम। बेसिकली जो बेसिक क्वेश्चन थे, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, या रेशियो निकालना या प्रोपोर्शन निकालना, वो सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूँ। तो इस लेक्चर में हम हाई लेवल का क्वेश्चन लेके जाएंगे। इसमें क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बेसिक चीज़ है क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मिल्क और वाटर, आपका बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो मिल्क और वाटर का मिक्सर दिया रहता है, और या वाइन और वाटर का दिया रहता है। तो हम इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसमें मान लीजिए कि कोई एक बर्तन है जिसमें आपको 2:3 में मिल्क है, यानी मिल्क 2:3 के रेशियो में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, और दूसरा कोई कंटेनर है उसमें भी आपका 2:1 में मिल्क और वाटर का रेशियो दिया हुआ है, और आपसे ये कहा जाए कि आप मिक्स कर दीजिए इन दोनों को, दोनों कंटेनर को 1:1 में, इसको मिक्स कीजिए 1:1 में। 1:1 मतलब मिल्क भी 1, मिल्क और वाटर का रेशियो जो है वो 1:1 हो, वाटर या मिल्क, या मिल्क या वाटर का जो रेशियो हो वो 1:1 हो। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके 2 टाइप मेथड होते हैं। तो आप या कीजिए क्या कि इसको मान लीजिए ये 15 लीटर का टोटल 15 लीटर है, ये कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर में 15 लीटर लिक्विड है जिसमें मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। सेकंड कंटेनर में मान लीजिए कि 15 लीटर इसमें भी है, 15 लीटर इसमें भी मिक्सचर है मिल्क और वाटर का। अब देखिए टोटल 15 है, और इसमें मिल्क का 2 है और वाटर 3 यूनिट है। ये सभी जो रेशियो होता है बेसिकली यूनिट में होता है। तो आप मिल्क कितना रह गया, 15 को ये 2:3 में डिवाइड कीजिएगा। तो डिवाइडेशन मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो करते क्या है कि 15 टोटल कंटेनर में 15 लीटर है हमने माना है, 2 निकालना है मिल्क कितना है, तो इसको 2 से गुना करेंगे और ये दोनों का एडिशन से डिवाइड कर देंगे, 3 × 2 = 5। तो आपको ये निकल जाएगा 6, यानी कि मिल्क जो है ये 6 लीटर है यहाँ। उसी तरह आप वाटर निकालेंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 3×3 = 9, 9 लीटर आपका वाटर है। उसी तरह इस मिक्सचर के भी निकालेंगे आप, 15 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करके टोटल 2+1 3 से डिवाइड करेंगे, तो यानी 15 लीटर के मिक्सचर में मिल्क हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 लीटर, और वाटर हो जाएगा 5 लीटर, 1:1 में है तो 5 लीटर, यानी कि आपने 15 लीटर जो था उसको 10 और 5 के रेशियो में आपने डिवाइड कर दिया। तो अब आपसे ये कह रहा है कि मिक्स कीजिए दोनों कंटेनर को 1:1 में। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि मिल्क आपका कितना है, मिल्क है आपका 10, और यहाँ पे इस कंटेनर में 10 लीटर, अगर दोनों का आप मिक्स करते हैं, अगर आप दोनों कंटेनर को एक साथ मिक्स करते हैं तो यहाँ मिल्क मिलेगा 10 लीटर, यहाँ से मिलेगा 6 लीटर, यानी टोटल 16 लीटर आपका मिल्क हो जाएगा। और वाटर कितना मिलेगा, यहाँ से वाटर मिलेगा 5 लीटर, 9 लीटर यहाँ से और 5 लीटर यहाँ से, यानी कि 14 लीटर। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 8 × 2 = 16 और 7 × 2 = 14। आप एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी रेशियो में किसी भी संख्या से हम दोनों तरफ डिवाइड कर दे, दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दे, या इसको प्रोपोर्शन कर दे 1/60, 1/40, तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका जो फाइनल आउटपुट आते हैं वो एज इट इज सेम आते हैं, मतलब आंसर सही आता है। तो इसलिए आप दोनों तरफ 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो 8 × 2 = 16, 7 × 2 = 14, कोई नहीं, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मिल्क और वाटर का रेशियो 8:7, मतलब कि ये आपका आंसर हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया गया था कि मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 है फर्स्ट कंटेनर में, सेकंड कंटेनर में 2:1 है। दोनों का आप इस तरह मिलाइए, इस रेशियो में मिलाइए, या आपसे पूछा जाए किस रेशियो में दोनों कंटेनर को मिलाया जाए कि जो मिक्सर होगा, मिक्स आएगा जो आंसर, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो 1:1 हो जाए, यानी मिल्क जितना हो उतना ही वाटर हो। तो आप इस तरह इन दोनों को, मिल्क और वाटर को ऐड करके यहाँ लिखिए, और वाटर के दोनों जगह का वाटर को लिख के यहाँ लिखिए, और दोनों को कैंसिल आउट, कट रहा है तो कटा दीजिए, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है दोनों साइड सेम नंबर से तो आप डिवाइड कर दीजिए, अदरवाइज वही आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ 8:7 जो यहाँ पे आया
वो ये कह रहा है कि अगर मिल्क को 8 लीटर, यानी कि अगर 100 लीटर का कंटेनर अगर दोनों दोनों है, तो यानी कि 8% मिल्क को मिला दे और 7% पानी को मिला दे, या 8:7 में मिला दे, यानी 8 यूनिट अगर मिल्क मिला दे और वाटर 7 यूनिट, तो जो कंटेनर बनेगा वो 1:1 का बनेगा। तो यही इसीलिए आपका आंसर हो गया। ये तो आपका एक मेथड रहा जो बेसिक चीज़ें हैं। ये दूसरा मेथड क्या है, आप इस मेथड का इस्तेमाल मत कीजिएगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि ये मेथड थोड़ा लेंदी हो जा लगता है, देखने में ही लेंदी है। क्योंकि यहाँ देखिए, इसको ऐड कीजिए, इसको फिर इसको मिक्सर को निकालिए, तो फिर आप कोई ऐसी डाटा मान लीजिए जिससे ये आसानी से कट जाए, तो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। लेकिन ये बेसिक कंसेप्ट था तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्या है इसका कंसेप्ट, ये देख लीजिए। दूसरा कंसेप्ट यानी अल्टरनेटिव मेथड की बात करें हम, अल्टरनेटिव मेथड में ये है कि क्या कीजिए, आप मान लीजिए फर्स्ट कंटेनर ए है, इसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है आपका, मिल्क और वाटर का रेशियो आपका फर्स्ट कंटेनर में क्या है, 2:3, यानी कि 2:3 है। और एक कंटेनर बी है जिसमें मिल्क और वाटर का जो कंटेन रेशियो है वो 2:1 है, यानी 2:1 है। अब क्या कीजिए, इनको ऐड कीजिए, 3 और 2 5 और ये 2 1 3। इनको ऐड करने के बाद आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कीजिए कि आपको कभी भी मिक्सचर 1:1 में मिक्स करना है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये दोनों कंटेनर में, ये यूनिट में दिया हुआ है 2:3 है, तो ये मान लिए हमने कि मान लीजिए कि 2 लीटर मिल्क है तो 3 लीटर वाटर है, यहाँ 2 लीटर मिल्क है तो 1 लीटर वाटर है। तो इन दोनों कंटेनर को सेम कर दीजिए, यानी हमने यहाँ देखिए कि दोनों कंटेनर में 15 और 15 लीटर लिया था, तो इनमें भी दोनों में सेम कर दीजिए कंटेनर की क्वांटिटी को, यानी कितने लीटर हैं। तो अगर 5 को 3 से मल्टीप्लीकेशन कर दे और 3 को 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दे मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगी 15 लीटर, ये भी हो जाएगा 15 लीटर, तो ये सेम हो गई। उसी तरह इसमें भी 3 से अगर मल्टीप्लीकेशन आप इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, और यहाँ से भी 5 से मल्टीप्लीकेशन कीजिए, और जो एक नई रेशियो बन के आएगी उसको इस यहाँ पे एडिशन कर दीजिए, यानी 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 और 6 16, और यहाँ पे 5 एकम 5, 3 तिरका 9, यानी कि ये आ गया 9 5 14, यहाँ से काट दीजिए 2, यहाँ पे काट दीजिए 7, यानी देखिए 8:7 के रेशियो में अगर हम मिक्सचर को मिक्स करें मिल्क और वाटर का, तो जो मिक्सर होगा उसमें मिक्सचर होगा उसमें वाटर और मिल्क का रेशियो जो होगा 1:1 होगा। यही आपका आंसर हो गया। तो ये बहुत आसान है। क्या कीजिए, जो भी दिया है जैसे फर्स्ट कंटेनर में 2:3, 2:3 कीजिए, यहाँ पे दिया है 2:1, 2:1 कीजिए, या यहाँ पे ऐड करके लिख लीजिए 2 और 3 5 और 2 एंड 5, और इन कंटेनर का दोनों को एक बराबर कर लीजिए बराबर में, तो इसे 3 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 15 लीटर हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 15 लीटर, उसी तरह यहाँ 5 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दिए, इसको वर्टिकली ऐड कर लीजिए, यही आपका रेशियो हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इसके बाद चलिए इसी बेस्ड पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, और आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम हॉल में, और उसको कैसे हम इस मेथड से सोल्व करें। हम पहले वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन सीखना था तो हमने बता दिया आपको, ये वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, 2 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 और 7:9 है, अगर दोनों बर्तन को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले देख ले, 2 वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 एंड 7:9 इफ बोथ वेसल आर मिक्स इन अ रेशियो 1:1, फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। तो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, जैसे कि बेसिक चीज़ें मैं आपको बताया था वो हर जगह काम आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। मान लीजिए कोई एक कंटेनर है, उसमें मिल्क
और वाटर का जो रेशियो है ये 7:5 है, 7:5 है, इनको आप ऐड कर लीजिए, 12 लीटर मान लीजिए हुआ। और दूसरा बर्तन है जिसमें 7:9 है, 7:9 है, ये बी कंटेनर है उसमें है, इनको ऐड कर लीजिए, 16 हुआ। तो इन दोनों का आप एक ऐसी संख्या से मल्टीप्लिकेशन कीजिए कि ये दोनों कंटेनर में जो क्वांटिटी है वो सेम हो जाए, यानी कि अगर 10-10 लीटर दोनों में हो जाए या 12-12 लीटर दोनों में हो जाए ऐसे, तो इसमें आप 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि 12 चौका 48, यहाँ पर 48, यानी 48 लीटर फर्स्ट कंटेनर में रहा और 48 लीटर ही सेकेंड कंटेनर में रहा। तो इस प्रकार आप इसी तरह यहाँ भी 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ से ये देखिए 4 से इसमें किए, तो इस लाइन में पूरे 4 से कीजिए, यहाँ भी 3 से कीजिए और यहाँ से भी 3 से कर लीजिए। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करके ऐड कर लीजिए, यानी 7 चौका 28, 7 × 4 28 हुआ, और यहाँ भी 7 × 3 21 हुआ, और 28 और 21 दोनों को एडिशन कर लीजिए तो आएगा आपका 49। यहाँ भी 5 × 4 20 हुआ और 9 × 3 27, 27 प्लस ये 20 कर लीजिए, वर्टिकली ऐड कर लीजिए, तो जो आपका आएगा ये 47 आएगा, तो जो आपका 49:47 यही आपका आंसर हो गया। इसका मतलब ये दो कंटेनर थे 7:5 के और 7:9 के, मतलब 7 लीटर अगर मिल्क था दूसरा कंटेनर में, तो दूसरा कंटेनर में 9 लीटर वाटर था। क्वेश्चन में ये कहा था कि हम दोनों बर्तन में से एक एक रेशियो में मिला रहे हैं, मान लीजिए कि इस फर्स्ट कंटेनर से 1 लीटर हमने निकाला और थर्ड बर्तन में डाल दिया, बी बर्तन से 1 लीटर निकाला और थर्ड बर्तन में ही मिक्स कर दिया। तो अब आपसे ये पूछा गया है कि जो थर्ड बर्तन है यानी सी, उसमें वाटर और मिल्क का क्या रेशियो है, तो वो आता है आपका 49 × 7 तो ये आपका आंसर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। सेकेंड क्वेश्चन में कर रहे हैं 10 लीटर के 10 लीटर के 3 बर्तन जिसमें दूध व पानी का अनुपात क्रमशः 2:1, 3:1 और 3:2 है। अगर तीनों बर्तनों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताइए। देखिए ये जो क्वेश्चन था प्रीवियस, उसी जैसा ये भी बनेगा, बस उसमें हमने क्या किया था, एक एक के अनुपात में मिक्स कर रहे थे। इसमें हम 10 लीटर के टोटल 3 बर्तन है, उसमें हम 2:1, 3:1 में दूध और पानी का मिक्सर है, ये तीनों को डाल देते हैं। तो अब आपको बताना है फाइनल में कि वो मिक्सर जो रेशियो आएगी वो क्या होगी दूध और पानी का। तो देखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्वेश्चन मैं आपको बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। 3 वेसल ईच ऑफ 10 लीटर कैपेसिटी कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:1, 3:1 and 3:2। इफ ऑल द 3 वेसल आर इम्पटाइड इंटू अ लार्ज वेसल फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ न्यू मिक्सचर। तो आप कीजिए क्या, मान लीजिए कि ये कोई बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 2:1 है, 2:1 है। कोई बी है मिक्सचर, इसमें 3:1 है, 3:1 है। कोई सी बर्तन है उसमें 3:2 है, 3:2 है। आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए पहले हॉरिजॉन्टली, 2 और 1 3, ये 3 1 4 और 3 2 5। अब आप कीजिए क्या, इनके ऐसी नंबर से मल्टीप्लिकेशन कीजिए कि ये तीनों का जो एडिशन मतलब आए ये तीनों सेम आ जाए, मतलब कि ए बर्तन में 10 लीटर हो तो बी बर्तन में भी 10 लीटर हो, सी बर्तन में भी 10 लीटर का कंटेंट हो, यानी मिल्क और वाटर की मिक्सचर हो। तो इसमें क्या कीजिए, आप इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं 20 से तो 20 60 हो जाएगा, ये सेम आ गया। इसमें आप करते हैं 15 से तो 15 60, और इसमें करते हैं आप 12 से तो ये 60 आ जाएगा।
ये मैंने 20 लिया, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसको लेना है तो ये 3 और 5 को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ ले लीजिए, और 5 को 60 बनाना है तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ ले लीजिए, तो आपका 60 60 आ जाएगा। उसी से यहाँ भी 20 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ भी 20 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ भी 15 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इस तरह यहाँ भी 12 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, यहाँ से 12 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इनको वर्टिकली ऐड कर लीजिए, तो ये आएगा आपका 121, यानी इसको हो जाएगा 40 और 45 और 36, 40 45 36 को जो ऐड कीजिएगा तो 121 आएगा। ये रेशियो आपको इनको ऐड कर लीजिए 20 15 और 24, ये आएगा 59, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि ये तीनों कंटेनर में जो अलग अलग मिक्सचर थे उनको हम एक कंटेनर में, बड़े कंटेनर में उसको डाल दें, तो ये जो आपका मिल्क और वाटर का जो मिक्सचर आएगा वो 121 रेशियो 59 आएगा, यही आपका आंसर हो गया। इस वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन हो नहीं पाया, हम नेक्स्ट लेक्चर में और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हाई लेवल का। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।